नमस्कार दोस्तों, गॉड लवर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपको किस्सा बताने जा रहा हूँ, वो इससे ज़रा हटके हैं। तो दोस्तों, एक रात मैं अपने गांव से मेरे मित्र अवधेश के साथ अंधेरी रात में खेत के रास्ते बस स्टैंड की तरफ जा रहा था। तो मेरे मित्र ने कहा, दोस्त थोड़ा जल्दी चलो, इस खेत से आगे अगले दो खेतों तक थोड़ी सी समस्या है। तो मैंने पूछा, क्या बात? तो उसने बार बार बात को टाल दिया, लेकिन मेरे ज़्यादा दबाव डालने पर उसने पूरा किस्सा सुनाया। बहुत साल पहले अपने गांव से रात को इन्हीं खेतों से एक आदमी गुजर रहा था। रास्ते में वो पेशाब करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक गया। उसके बाद वो जैसे थोड़ा चला, उससे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। तो उसने सोचा कि रात को पहरा देने वाला का बच्चा होगा, लेकिन तभी याद कि ये खेत तो रामेश्वर काका है, जो 3 साल पहले यहाँ पर फांसी लगा कर मर गए। वह आदमी सहमे हुए कदमों से आगे बढ़ता हुआ और उसके दिमाग में उन लोगों की बात याद आई कि इस खेत से गुजरते वक्त रात को कभी पीछे मत मुड़ना। कोई रास्ता पीछे तो उसे आंखों और पांवों को मत देखना। कोई कितना भी बोले मत सुनना। ये सब बातें दिमाग में सोचने से उस आदमी की हालत बहुत बुरी हो गई और सोचने लगा कि उसने कहा यहाँ आने से पहले ये सब क्यों नहीं सोचा। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता वैसे वैसे बच्चे की आवाज़ और तेज होती रही और ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके साथ ही चल रहा हो। तभी अचानक उसने देखा कि एक पैर से बंधे झूले में बच्चा लेट रहा रो रहा था। तो डरते हुए उसने आवाज़ लगाई कि ये किसका बच्चा है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो डर के मारे आगे बढ़ गया, लेकिन बच्चे की किलकारियाँ सुनकर उससे रहा नहीं गया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। तो उसने देखा वो बच्चा झूले में उसके पीछे पड़ा था। रहम के मारे उसने बच्चे को गोद में उठाकर भागने लगा। थोड़ी देर बाद वो बच्चा उससे भारी लगने लगा और देख कर चौंक गया कि उसके पैर लंबे होकर जमीन को छूने वाले थे। उसने घबराकर बच्चे को गोद से गिरा दिया। जैसे ही वो बच्चा गोद से गिरा तो बच्चा बड़े जोर से हंसकर बोला, तू आज तो बच गया और गया। अगर मेरे पैर जमीन छू लेते तो तुझे आज यहाँ कोई नहीं बचा सकता, मेरी तेरी मौत तय थी। ये कहते ही वो बच्चा गायब हो गया। वो इंसान गिरते पड़ते घर तक पहुँचा और घर पहुँचते ही बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने गांव वालों को यह सारी बात सुनाई। जैसे ही मैंने ये किस्सा सुना तो घबराहट के मारे बिना पीछे मुड़े ऐसा जोर से भागा और उस प्रेत बाधित खेत से रात को नहीं गुजरता। कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना और प्यारा सा